नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में जो जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं दोस्तों, यकीन मानिए ऐसी जानकारी आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को हनुमान जी की लीलाएं के बारे में बताने वाले हैं कि हनुमान जी का लीला कैसा है, आखिर हनुमान जी अपने भक्तों के ऊपर कैसा चमत्कार करते हैं, आखिर उनकी परीक्षाएँ कैसे लेती हैं, जीवन काल में कौन कौन से बदलाव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 17 दिनों के अंदर महाबली हनुमान जी भी आप सभी के जीवन काल में बड़े बदलाव करने वाले हैं, जिन्हें दोस्तों अगर आप सुनेंगे तो दोस्तों सुनकर आंखों से आंसू गिरने लगेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये जो घटना है आने वाले 17 दिनों तक, यह घटना को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इन सभी में भगवान हनुमान जी का हाथ रहने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें और दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर समय निकाल कर देखिएगा, क्यों दोस्तों आज का यह वीडियो नहीं आप सभी के लिए हनुमान जी का बहुत ही बड़ा वरदान है, जो कि आप सभी के जीवन काल को चमका सकता है, भाग्य को उदय कर सकता है। जी दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों के दुख को देख नहीं पाते। जी दोस्तों, और समय समय पर उन सभी के जीवन काल में बदलाव करते रहते हैं। जी दोस्तों, हालांकि अगर उनके भक्त कोई गलती करते हैं तो दोस्तों उन्हें सीख के तौर पर उनकी परीक्षाएं लेते हैं, उन्हें ऐसा कष्ट देते हैं कि उन्हें उनसे कुछ सीख मिल जाए। जी दोस्तों, और दोस्तों आने वाले 17 दिनों में आप सभी के जीवन काल में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, सभी जानकारियाँ बहुत ही गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर निर्मित है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे प्रिय भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम जय हनुमान। दोस्तों यकीन मानिए महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाना जो हम खाते हैं एकाध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकेंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, ईर्ष्या, गुस्सा आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन महीने और सालों तक रखे रखते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब आपका निर्णय है कि आपका अगला कदम क्या होगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान, यह बात अगर आपको सच्ची लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों सखी साथ बात करते हैं कि महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आने वाले 17 दिनों में आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलेंगी, साथ ही साथ दोस्तों कौन सी विशेष बातों का ध्यान इसमें आपको रखने होंगे ताकि महाबली हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन काल में आजीवन धन बरसाते रहे, कृपा बरसाते रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि महाबली हनुमान जी का लीला परंपार है, जिनके जीवन काल में इनकी कृपा हो जाए दोस्तों उनका बेड़ा पार हो जाता है। जे दोस्तों, आने वाले अगले 17 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल का बेड़ा पार होने वाले हैं, क्यों दोस्तों महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े ग्रहों के गोचर दिख रहे हैं, जिनमें आपको लाभ के मौके के साथ साथ ऐसी सफलताएँ मिलने वाली हैं जिन्हें सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आने वाले 17 दिनों में अपने काम को नया रूप देने के लिए नई योजना बनाएंगे, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए फायदेमंद होगी। यश में प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य भी आपका बन सकता है, जो कि दोस्तों आप सभी के मन के, आपके मन के हृदय को प्रसन्न कर सकता है। जी दोस्तों,
आप सभी को बता दें कि महाबली हनुमान जी की शुरुआत श्री आप सभी के जीवनकाल में जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने की आपका जो कोशिश है, आपका जो संकल्प है, यश में आगे बढ़ेगा और दृढ़ता से उनका पालन भी आप करेंगे। जी दोस्तों, बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद व फिर अनुभव से बहुत कुछ सीखने का यश में आपको मौका मिल सकता है। दोस्तों, आने वाले 17 दिनों के अंदर महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मित्रों अथवा श्रियों के साथ फोन पर कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है जो कि दोस्तों आप सभी के लिए फायदेमंद ही रहेगी। जमीन जायदाद संबंधी कोई रुका हुआ मामला है यश में हल हो सकता है। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस या फिर पेपर वर्क करते समय बहुत ही दोस्तों यश में भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल बनाकर रखें। दोस्तों आप शुभ बता दें कि आने वाले 17 दिनों के अंदर महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप शुभ के जीवन काल में विकट परिस्थितियां अगर आएंगी तो दोस्तों उन विकट परिस्थितियों में भी आप अपने मनोबल को अच्छा बना पाएंगे। आपको उचित मार्गदर्शन मिलने से समस्या हल हो जाएंगी। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन या फिर अनुसंधान संबंधी कार्यों में अच्छे नतीजे हासिल होंगे। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में हनुमान जी के आशीर्वाद से ग्रह स्थिति भी उत्तम बनी है। जे दोस्तों जो भी विपरीत ग्रह यश में शुभ स्थिति में आने वाले हैं और आपके तरक्की के नए द्वार खुल रहा है, सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ दिक्कतें और परेशानियां बनी रहेंगी, परंतु दोस्तों समय रहते उन पर समय से ध्यान देने से सफलता भी हासिल होगी। लक्ष्य प्राप्ति में भाइयों की बखूबी सहयोग प्राप्त होगी। सपोर्ट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कुछ संभावनाएं आ सकती है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के व्यवसाय के लिए जो समय होंगे व्यवसायिक कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हो जाएंगे। मार्केटिंग पेमेंट कलेक्ट करने में अधिक समय लगाएं। सरकारी सेवारत लोगों को उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई अथॉरिटी भी मिल सकती है, जिससे दोस्तों आप सभी का मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से परिवारजनों के साथ घर की व्यवस्था संबंधी योजना बनेगी। शॉपिंग आदि में भी मधुर समय व्यतीत होगा। किसी कार्य में बेहतरीन उपलब्धि हासिल होने वाली है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों बिजनेस संबंधी संभावनाएं सामने आएंगी। भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से कोई बड़ा फैसला लेने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों यश में बेझिझक आप कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं जिनमें आपको लाभ के मौके दिखाई दे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या फिर कहीं पर पैसा आपका अटका हुआ है तो दोस्तों वो भी हनुमान जी के आशीर्वाद से समस्याओं के हल हो जाएंगे और आपके प्रयास इसमें सफल हो जाएंगे। दिन के दूसरे पक्ष में आपका जो समय होगा बहुत ही अच्छा समय होगा। हल्की फुल्की विपरीत समय में आपको समस्याएं दिख सकती है, लेकिन दोस्तों आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन समस्याओं को हल कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों यश में हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहेगा। अचानक से कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जिनसे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। यूँ कहें तो दोस्तों एक ऐसी शुभ समाचार मिलेगी जो कि दोस्तों आप सभी के दिल को बहुत ही तेज कर देंगे। जी दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्तों यही समय है जब आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए भी समय होगा। घर में सामंजस्यपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है जो कि दोस्तों आप सभी के मन को भी प्रसन्न कर सकता है। जो भी युवा वर्ग हैं जिन्हें प्रेम संबंधों में जो लोग नहीं हैं, दोस्तों यश में किसी विपरीत लिंग के साथ आपका संबंध बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों आप शुभ बता दें कि हनुमान जी के आशीर्वाद से इसमें आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आने वाले 17 दिनों में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए आपको अपने मनपसंद कार्यों के लिए समय निकालना चाहिए, जिससे दोस्तों आपकी मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन होगा। दोस्तों यश में आपको हनुमान जी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। जो दोस्तों यश में कोई भी खास निर्णय लेते समय अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। तनाव का असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और गुस्से को बिल्कुल आप यश में बढ़ने ना दें। जो दोस्तों अपने ऊपर गुस्से को हावी बिल्कुल ही ना होने दें। गुस्से और ईगो जैसी कमियों पर
काबू करना ही यश में आपकी कामयाबी होगी, आपका कर्तव्य होगा। जो दोस्तों क्योंकि इस वजह से आपकी बनते बनते कार्यों में व्यवधान आ सकता है, विघ्न बाधाएं आ सकती है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। इसके साथ दोस्तों जो भी आपके महत्वपूर्ण आने वाले कार्य हैं उनकी बखान आप किसी के भी साथ ना करें, और जो भी आपकी गुप्त जानकारी है दोस्तों यश में किसी को भी अपने से अपने तक आदमी को भी ना दें। दोस्तों ये आपकी विशेष सावधानी होगी। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो के अंत में बात करते हैं भगवान हनुमान जी के एक बहुत ही अच्छे उपाय, जो कि दोस्तों इन्हें अगर आप यश में कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही गहरा चमत्कार होगा। जी दोस्तों, दोस्तों आप शुभ बता दें कि यश में आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में आप पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें आने वाले 17 दिनों तक लाभ के मौके बने रहेंगे और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शायद दोस्तों और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।